तो हेलो एवरीबॉडी, आई एम शिवम चतुर्वेदी और आज हम इसका चौथा पार्ट लेकर आ गए जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये है चैप्टर का नाम और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लोथर मेयर कर्व। ये आपके जो एनसीईआरटी है उसमें तो एक दो लाइन में समझा दी गई है, लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं और वो क्वेश्चन लोगों को समझ में उतने आते नहीं है। और दूसरी बात, जब हम इसके बाद मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि मेंडेलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो कहीं ना किसी ना किसी हद तक इससे ही इंस्पायर है। तो भैया जो हमें पढ़ना है वो जिस चीज से इंस्पायर है तो क्यों ना उसको पहले पढ़ लिया जाए। तो शुरू करते हैं कि हम पढ़ चुके थे डोवर्नियर ट्राइड, उसमें क्या पढ़ा था हमने कि तीन तीन के सेट बनाए थे, पहले और तीसरे का जो अर्थमेटिक मीन था ठीक है वो दूसरे वाले वेट के इक्वल में था। यदि ऐसा होता है तो वो तीनों एलिमेंट्स किस चीज में थे, वो एक ग्रुप में कहलाते थे ठीक है। क्यों कहलाते थे ग्रुप में, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर रहती थी। ऐसा हमने देखा भी कि उनके तीन ट्राइड चले, फिर चौथा जब हमने उसी ग्रुप में फ्लोरीन वाला देखा तो नहीं चला और भी फिर मतलब नौ के आगे, नौ एलिमेंट्स के आगे नहीं चला ठीक। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया सॉरी, उन्होंने किया आठ आठ के मतलब सात सात लोगों को एक साथ बैठाया, फिर जो आठवां व्यक्ति था यानी कि जो आठवां एलिमेंट था उसको पहले के नीचे बैठा दिया, यानी कि सारे गामा पाधा नी और फिर सा, सारे गामा पाधा नी सा। तो ऐसा करते करते उन्होंने भी 20 एलिमेंट तक खोज दिए ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये भाई सब 28 एलिमेंट खोज देंगे ठीक है। धीरे धीरे बढ़ रही है कहानी, धीरे धीरे कहानी बढ़ रही है, जो कि जाके पहुंचेगी मोसले जी की पीरियोडिक टेबल जो आज आप पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपकी किताबों में बनी है। तो इन्होंने क्या किया, तो सबसे पहले समझिए कि एटॉमिक वेट तो हम लोग निकालना समझ गए थे कि क्या लिया, वजन, वजन कैसे नापते हैं, वजन हमारे उन्होंने नापा डोबरनियन ने, वजन हमारे न्यूलैंड ने नापा, वजन ये भी नाप लेंगे। अब वजन के साथ साथ में एक चीज और नापेंगे, क्या, वॉल्यूम। तो ये इनकी जो वॉल्यूम, एक होगा इनके में पैरामीटर वॉल्यूम ठीक, और एक होगा वेट। ये किस चीज का वॉल्यूम और किस चीज का वेट, ये होगा हमारा एटम का वॉल्यूम और एटम का वेट ठीक। अब आप सोचेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है, सोचेंगे कई लोगों को आता होगा, लेकिन वॉल्यूम की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, वॉल्यूम क्या है कि जैसे ये मार्कर है ठीक है, अब मैं इस मार्कर को जिस जगह पर रखूंगा, इस जगह पर मैंने अपने हाथ में रखा तो जितना स्पेस इसने घेरा ठीक है, या किसी जगह पर रखा, ये रखा तो जहां रखा उस जगह के कितने स्पेस को इतने इसने फिल किया, उस चीज को कहते हैं इसका वॉल्यूम ठीक है। तो एटम को जब हम रखेंगे तो वो जितना स्पेस घेरेगा उसको हम कहेंगे एटम का वॉल्यूम ठीक है, और एटम का जितना मास होगा वो तो उसका वेट है, क्योंकि फिजिक्स नहीं है, मास इनटू ग्रेविटेशन को नहीं चल रहा है यहाँ पर ठीक है। तो अब इन्होंने बनाया कर्व, कर्व लेकिन कैसे बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो इन्होंने लिया एक ग्राफ, एक ऐसा किया लाइन और एक ऐसी ड्रॉ कर दी ठीक है। इस तरह इनने ये जो अपना वाई एक्सिस है यहां पर रख दिया एटोमिक वॉल्यूम, एटोमिक वॉल्यूम ठीक है, किसका, एटम का, ये हम देखेंगे वाई एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर इन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिया एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट। तो जब इन्होंने एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम लिया ठीक, अब अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग जगहों पर, मतलब जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, कि जैसे वो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि इतने ओवर में इतने रन थे, फिर ऐसे ऐसे वो बनता चला जाता है कर्व, ऐसे ही बनाएंगे। तो इन्होंने बनाया तो सोडियम यहाँ आया इनका ठीक है, लिथियम आया यहाँ, सोडियम आया ठीक है, बना रहे हैं अभी हम, और यहाँ क्या आया आपका, यहाँ आया आपका पोटेशियम आ गया ठीक है। और यहाँ अब आपका जब हम ये और नीचे लेकर आए तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने, चलिए मैं नाम लिखता जाता हूँ, यहाँ आया लिथियम, यहाँ आया सोडियम और यहाँ आया आपका पोटेशियम ठीक है। के जब ये नीचे उतरे तो यहाँ पर आया इनका बेरिलियम, यहाँ आया इनका कैल्शियम ठीक है, और यहाँ आया मैग्नीशियम, यहाँ आया इनका कैल्शियम, और जब और नीचे उतर गए तो यहाँ आ गया इनका बोरॉन, यहाँ आ गया इनका एल्यूमिनियम, और यहाँ आ गया इनका गैलियम ठीक है। अभी आपको देखना है ये, चलिए मैं नाम लिख देता हूँ ठीक है, लिथियम यहां पर इनका आ गया था, कौन सा, बेरिलियम, मैग्नीशियम और ये कैल्शियम ठीक है, और यहां ध्यान दीजिएगा ये है बोरॉन, ये है एल्यूमिनियम ठीक है। और यहां इस जगह पर,
इस जगह पर आ गया इनका मान लीजिए फ्लोरीन, ठीक है, इस जगह पर आ गया इनका क्लोरीन, तो ऐसे कुछ कुछ इनके 28 एलिमेंट आ गए। अभी मैंने कितने मतलब ऐसे इरेगुलर अरेंजमेंट है ना, दिख रहा है कैसा इरेगुलर अरेंजमेंट है कि कहीं भी कुछ भी बना दिया आपने, दूसरी तो बात है कहीं भी कुछ भी बना दिया। अब लेकिन हम यदि इनको, अब यदि हम इनको वो करेंगे, एक कर्व देंगे, चलिए मान लीजिए कर्व, अभी हम जानते ही नहीं कर्व क्या होती है, कर्व होता है एक प्रकार का स्लोप, ये इतना तो जानते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने इन पॉइंट्स को मिला दिया कि ऐसे ऐसे करके कहीं से भी मिला दो, ठीक है, कर्व बनाकर, अब कुछ समझ में आया क्या? अब बन रही है, अब दिख रही है कर्व। चलिए हमने मान लिया कि ऐसा हमने कर्व बनाया, ऐसा कर्व बनाया कि हम लेफ्ट से राइट तरफ में जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट तरफ में जा रहे हैं, तो जो भी लेफ्ट से राइट तरफ में मिलता जाएगा हमको, हम उसको उस कर्व से ऊपर से शुरू करेंगे कर्व बनाना, और लेफ्ट से राइट में जो भी मिलता जाएगा उसको उससे टच करते जाएंगे, उसको उसके मिलाते जाएंगे। तो लेफ्ट से राइट में हमने शुरू किया, तो सबसे पहले आया लिथियम, अब हम जाना है लेफ्ट से राइट, ठीक है, लेकिन कर्व बनानी है ऊपर से नीचे, तो ये आया लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। अब आया आपको समझ में? अब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो अब लेकिन ये ऊपर है, ये हमारा क्या फ्लोरीन, तो ऊपर चढ़ गए, जाना लेफ्ट से राइट है लेकिन कर्व बनाते हुए जाना है, जो ऊपर होगा उसको ऊपर कर देना है, जो नीचे होगा उसको नीचे ले आना है, ठीक है। तो अब हम जब कर्व में देखते हैं, तो कर्व में हमको क्या दिखता है कि एक पैटर्न दिखता है, कैसा पैटर्न, कि जो सबसे ऊपर पिनाकल पर है, यानी कि जो सबसे शीर्ष पर है, जो सबसे शिखर पर है, वो कौन से हैं? वो हमारे ग्रुप वन के एलिमेंट, देखिए आप अपनी पीरियोडिक टेबल में वही होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उससे जो उतरते हुए हैं यानी कि जो डिसेंडिंग है, वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपका ग्रुप नंबर 2 है। और जब हम और नीचे उतरे, एकदम जब जमीन पर आ गए, तब तो कौन से मिले हमको? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये सब मिले, ठीक है। अब जब हम चढ़े यानी कि असेंडिंग ऊपर गए, तो अब हमको कौन से मिले? हमको मिले हेलोजन्स, कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ये वगैरह। तो ऐसे ऐसे करते करते, ये तो उनकी बहुत सरल सी कर्व है भी, हम जो हमने आपको दिखाई है, आप अपनी किताब में देखेंगे या कहीं नेट वगैरह में देखेंगे, तो ये बड़ी आपको डिस्टॉर्टेड टाइप की मिलेगी, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक वॉल्यूम पर कौन सा बेस है, रोथर्मियर, ठीक, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास पर, और कौन कौन से ऊपर नीचे थे, तो सबसे ऊपर था हमारा सोडियम वाले लोग, ठीक है, सबसे नीचे कौन थे? बोरॉन फैमिली थी सबसे नीचे, असेंडिंग कौन थी? सी असेंडिंग थी हमारी फ्लोरीन वाली, और डिसेंडिंग थी हमारी बेरिलियम मैग्नीशियम वाली। इतना याद रखना है, इस कर्व को याद रख लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे इससे, और क्वेश्चंस नहीं आते लोथर मेयर से। अब हमको लोथर मेयर साहब से ने तो 28 बना दिए, चलिए एलिमेंट, इन्हीं के साथ साथ में एक और साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे, अलग कर रहे थे वो अपना, ऐसा नहीं कि साथ साथ में कर रहे थे, वो थे रशिया के, ये थे हमारे जर्मनी के। वैसे इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है, लेकिन बता दूं आपको कि कहां कहां से कौन कौन से लोग काम कर रहे थे। तो ये थे हमारे जर्मनी के, और एक व्यक्ति रसिया से और काम कर रहा था, जिसका नाम था डिमित्री मेंडलीव, और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, और ये जान, और इनसे ज्यादा वो इसलिए चले कि दोनों ने काम तो एक ही किया भाई, इनने भी एटॉमिक वेट पर सजाया, उन्होंने भी एटॉमिक वेट पर सजाया, इनका भी कुछ समय अंतराल यानी कि पीरियड के बाद में कुछ एलिमेंट्स जो मिलते हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम हुई, उनके में भी एटॉमिक वेट के अनुसार जब हमने सजाया तो कुछ अलग अलग एलिमेंट मिलते गए जिनकी प्रॉपर्टी सेम हुई, ठीक है। तो ऐसे ही उनका भी काम हुआ, लेकिन वो ज्यादा इसलिए चल गए क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोगों को ज्यादा चीजें अच्छी कौन सी लगती हैं, जो विजुअली विजुअली देखने में अच्छा लगे, तो देखने में हमको टेबल अच्छी लगती है, ये कर्व अच्छी लग रही है, हमको समझ में नहीं आ रहा बढ़िया से अच्छे से कोई टेबल बनाते आराम से लिख देगी फर्स्ट फिगर ये ग्रुप ग्रुप ये, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने इसी को टेबुलर फॉर्म में कर दिया था, ठीक है, जिसका हम देखेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।